सामने आए, मैं बायकॉट दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। तो कैसे दिखाएंगे? आज जैसे भी दिखाएंगे हम दिखा देंगे, जिसको बायकॉट करना है ना मेरे सामने आ जाए। अच्छा जी, अभी वो मारेगा तो मैं भी मारूंगा, ऐसे थोड़ी ना। किसको मारेंगे? जो आप विरोध कर रहे हैं ना इसका मूवी देखने के लिए, तो वो तो मैं तो कुछ ना कर पाऊंगा, मैं भी मारूंगा उससे भी। उस समय से विरोध न हुआ भगवा कलर का, आप इधर बजरंग दल मना ली तो भगवा भगवा क्या है, मिल कर रहे थे मुसलमान ने भगा दिया, ये कर दिया वो, कुछ ने तो नहीं किया, तो मिल कर रहे थे, अभी हम भी लोग रहेंगे, ग्रीन कलर मेरा है तो मुझे चलना छोड़ दो धोबी पर, पेट से ऑक्सीजन क्या है। बायकॉटिया गैंग पठान को जो है बायकॉट कर रहे हैं, अपने जूते चप्पल घिस चुके हैं, उन्हें रोजगार मिल चुका है लगातार, जो लोग सड़कों पर उतरकर पठान पठान चिल्ला करके जो लगातार पठान को और उठा दिया है, तो अभी उसी पर मैं बात करूंगी और ओपिनियन लूंगी पब्लिक से। तो पठान देखने जाएंगे भाई? जी देखने जाएंगे। क्या नाम है आपका? MD साउथ। अच्छा, MD साउथ, इसलिए शाहरुख खान की फिल्म देखने जाएंगे जी। अच्छा, इतना बायकॉट हो रहा है आपको उसे समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म को बायकॉट किया जा रहा है, उसके लिए बजरंग दल वाले जो है सिनेमा हॉल में लगने नहीं, ये सब भोकते हैं, भोकने वाले तो भोकवे करते हैं। 25 तारीख को कोई माँ के लाल नहीं कि वो फिल्म रोक सकते हैं। सच में जाएंगे कि यहाँ कैमरा पे बोल रहे हैं? कैमरा पे बोल रहे हैं। अच्छा, सच में नहीं जाएंगे? टिकट तो बुक करने हैं हमको। 25 को ना 26 को मैं जरूर जाऊंगा देखने। जरूर जाएंगे देखने। यहाँ पे ऐसा क्या है जो देखने जाएंगे? अच्छा लगता है। अच्छा, क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है, शाहरुख खान पसंद है क्या? जी फैन। और दीपिका पादुकोण? दीपिका फैन भी, वो भी सही है। दीपिका के लिए ही तो हो रहा है भगवा पहना है, उसने शरम रंग बोल दिया है। वो मुझे नहीं पता है वो कौन है। वो नहीं पता है, बस देखने जाना है जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुहैल। फिल्म देखने जाओगे? पठान फिल्म सुनने काहे नहीं जाएंगे, निकला किस लिए? देखने के लिए तो निकला है। देखने के लिए निकला इसलिए, और क्या? अच्छा, डर नहीं लगता है कि ये लोग क्या चीज का बायकॉट कर रहे हैं फिल्म का? क्या चीज का डर? जिसको बायकॉट कर देंगे सामने आए। सामने आए, मैं बायकॉट दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। कैसे दिखाएंगे? आज जैसे भी दिखाएंगे हम दिखा देंगे, जिसको बायकॉट करना है ना मेरे सामने आ जाए। अच्छा, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सुहैल नाम है। मोहम्मद सुहैल क्या करते हैं? हम ऑटो का मैकेनिक है। मैकेनिक है जी। अच्छा, तो मतलब आप फिल्म देखने जाएंगे 25? क्यों नहीं जाएंगे, निकला किस लिए? शाहरुख के फैन? हाँ फैन है वो, आज भी बम्बई दुबई बायकॉट हो रहा है इसलिए देखने जाएंगे, या फैन है वाकई? फैन है वाकई में। उसके तरह बंदा मैंने देखा ही नहीं कोई हीरो में, सलमान खान के तरह, शाहरुख खान के तरह। अच्छा, और भी लोगों से जानते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, ये भागने लग गए हैं भाई, भाग क्यों रहे हो? देखने जाओगे तो बताओ ना, क्या नाम है आपका? शाहबाज खान। शाहबाज खान जी, क्या जी करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर है? आर्ट टीचर। अच्छा, अभी तमाम लोगों का भी सुना होगा आपने, मैं पूछ रही हूँ लोगों से। आया था। अच्छा, पठान मूवी का आपने सुना है ना कि पठान मूवी का लगातार बायकॉट हो रहा है, पठान मूवी देखने जाएंगे क्या? ऑब्वियसली। क्यों देखने जाएंगे भाई? क्या फर्क पड़ता है? एक तो शाहरुख खान 4 साल के बाद वापस लौट आ रहे हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये। दूसरी क्या के एक तो YRF जो है, मतलब कि यशराज फिल्म के जो है एक यूनिवर्स बन रहा है, जैसे एवेंजर का यूनिवर्स था वैसे इसका भी एक यूनिवर्स है, तो हमें तो देखना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन उसका तो लगातार बायकॉट हो रहा है, भगवा को बेशरम रंग बताया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपनी एक क्या कहते हैं ना स्ट्रेटजी होती है, जिनके पास कुछ काम नहीं होता ना। अच्छा, वो यही करते हैं। यानी बजरंग दल वालों के पास काम नहीं है? मेरे हिसाब से तो यही कहूंगा मैं। अच्छा, क्योंकि अगर आपके पास काम है तो ढंग की चीजें करो। लाइक बहुत सारे मुद्दे हैं उठाने के लिए, जैसे कि बेरोजगारी, उसके लिए करो, क्यों नहीं करते उसके लिए? उसके अलावा मुद्दे हैं कि उसमें भगवा नहीं है ना तो वही तो चीज भगवा है। भगवा की मीनिंग ये नहीं होती कभी भी। भगवा बहुत सारी चीज में, अगर रंगों की बात करो तो फिर आप फ्रूट्स और ऐसे पेड़ पौधे कितनी चीजों को बांटोगे यार, हर एक चीज में बट जाता है। अच्छा, ऑरेंज अलग है और भगवा अलग है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हा? बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, एक सोच है बस, ये जस्ट सोच है। आप तो मतलब फिर तो ऐसे देख लो ना, बहुत सारे फ्रूट्स हैं तो फिर इस हिसाब से बढ़ जाएंगे सारी चीजें, नहीं बढ़ सकती ना ऑब्वियसली। ये तो सही कलर की टोन है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ ऑब्वियसली, तो मुझे पता है कलर्स के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये जैसे एक थॉट है ऐसा कि अब ये मेरा कलर है वो तुम्हारा कलर है, ऐसा तो फिर तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और रहा भगवा रंग की बात, भगवा रंग की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, वो तिरंगे का कलर है, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ की वजह से अगर चीज़ों को वॉकआउट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब पॉइंट आएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक मुस्लिम की मूवी नहीं है, उसमें पता नहीं कितने सारे नॉन मुस्लिम डायरेक्टर हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि नॉन मुस्लिम हैं। दीपिका थोड़ी ना मुस्लिम है वो। उसके अलावा आप देखें कि यशराज मुस्लिम है क्या? नहीं है। इतने सारे लोगों के आप पेट पे लात मार रहे हो और कितने वक्त से वो चीज़ बनी है, तो मतलब इतने साल की मेहनत के बाद आप इतने मतलब एक पेट पे लात मार के, मतलब सिर्फ
क्या है, आपको अपने आपका नाम बुलंद करना है या फिर अपने एक जस्ट पेट पे लात मार रहे हैं। इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, इतने सारी एक टीम होगी जिसने काम करा है, आईमैक्स कैमरा से वो शूट हुई है पूरी मूवी, इतना सारा पैसा लगा है, तो सबका क्या? सब तो वेस्ट गया ना मैम। तो यानी देखने जाएंगे? ऑब्वियसली मेरे को देखने। तो और भी लोग हैं, पूछते हैं उनसे क्या नाम है आपका, मुस्कुरा रहे हैं बड़े। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, पठान मूवी तो सुनी होगी आपने? सुनी है। वक्त बदल रहा है बोलते हैं ना, मौसम बदलने वाला है, तो मौसम बदलेगा पठान से? इसको मुझे आइडिया नहीं है। पठान मूवी देखने जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों भाई? मैं कोई मूवी नहीं देखता। नहीं तो अच्छा, मूवी नहीं देखते या डर के मारे नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, डर के मारे नहीं, इतना टाइम नहीं होता, फालतू के जाके मूवी देखेंगे। अच्छा, फालतू के जाके। एक्टर्स लोग को आप फालतू बता रहे हैं? नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं ना। आर्टिस्ट है भाई, उनकी कदर करनी चाहिए। नहीं तो कदर तो करता हूँ, तो क्या मैं मूवी देखने जाऊँगा? मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है इसलिए नहीं देखते हैं? नहीं, इसलिए नहीं देखता हूँ, बस मेरे लिए नहीं देखना है। अच्छा, टाइम नहीं, अपना टाइम 3 घंटा जाएगा क्यों करूँ? अच्छा, टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल होता है मेरे लिए। ये एक एक इंसान ऐसे मिले हैं जो टाइम वेस्ट बताते हैं मूवी देखना। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ 12th class। 12th class में? अच्छा, पठान मूवी का जो लगातार बायकॉट हो रहा है, सुना होगा? बायकॉट तो हो रहा है, वो सोच रहे कि बायकॉट करके ऐसे मुसलमानों को फर्क पड़ेगा। अच्छा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पठान बायकॉट करो, पूरी बॉलीवुड बायकॉट करो आप। हाँ। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पठान मूवी देखने जाओगे क्या? हाँ, देखने जाएंगे। देखने जाएंगे। हाँ। और जो लगातार उसको बता रहे बेशरम रंग बताया जा रहा है, एक भगवा बिकनी पहनी है। बेशरम रंग बताया जा रहा है तो क्या भाई, हमने थोड़ी बोला था भगवा रंग पहनाओ, कोई सा भी रंग पहना दो। हाँ। अपनी पैंट उतार के देखो, खुदों के रंग के निकलेंगे कितने, भगवा रंग का। अच्छा, क्या निकलेगा भगवा रंग का? चड्डी निकलेगी। अरे, ये गजब का जवाब दे दिया। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 16 साल। 16 साल है? अच्छा, तो भगवा रंग की चड्डी बता रहे हो, तुम तो भगवा रंग को और ज्यादा बेशरम बता दे रहे हो भाई। बेशरम क्या बता रहा हूँ मैं, आप क्या नोटिस करते हो कि कौन से रंग का पहनना का अंदर? अच्छा, मेरे को बता रहे हो क्या? नहीं, किसी को भी। तुम बिकनी भाई, वो आर्टिस्ट है, उसने पहना है, तो तमाम लोग भी हंस रहे हैं, तो अच्छा लग रहा होगा वो पहनने का, सूट कर रहा होगा। अच्छा, ये बताओ, फैन है शाहरुख खान की? फैन है? मैं किसी का फैन नहीं हूँ। किसी का फैन नहीं है, लेकिन देखने जाएंगे? देखने जाएंगे। अच्छा, क्योंकि बायकॉट हो रहा है और बायकॉट चर्चा हो रही है इसलिए। हाँ, और देखने जाएंगे। अच्छा, चलिए, और भी लोग हैं, क्या नाम है? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मेरा नाम जिया अनवर। क्या नाम है? जिया अनवर। जिया अनवर, जिया अनवर जी, देखने जाएंगे मूवी पठान? देखिए, यूजुअली तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन टाइम मिले तो हो सकता है कि अपने रूम पे ही देख लूँ। बट कैसे देख लेंगे, 25 तारीख को तो वो सिनेमा हॉल पे लगना ही मुश्किल कर दे रहे हैं लोग। बाद में देख लेंगे, कोई जरूरी है अब इतना मतलब टाइम नहीं। आपका ऐसा है कि मिल गई तो देख लेंगे, नहीं मिले तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कोई रीजन है कि बायकॉट हो रहा है तो देखने जाना ही है। इतना हार्ड कोर सपोर्टर भी नहीं है हम। लेकिन शाहरुख खान ने देखिए बिकनी नहीं पहनी है, ना भगवा रंग उसने पहना है, दीपिका ने पहना है, पंडित है, लेकिन बायकॉट किया जा रहा है पठान को। देखिए, इसका बहुत सारा रीजन है। अब क्या, एक तो पॉलिटिकल रीजन है, आज के टाइम पे आप देखते ही हैं कि मतलब कुछ भी चीज, ऐसा चीज जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन स्पेशली इस्लाम के साथ अगर एसोसिएटेड है, तो मतलब बहुत तरह के उस पर मतलब इल्जाम लगाया जाता है। ठीक है, तो एक ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि एक प्रमोशन का एक पार्ट हो सकता है कि लोग ज़्यादा इसको मतलब फेम मिल जाए और ज़्यादा लोग इसको देखने जाए। हाँ। तो मैं मिल जाए पठान तो अपने आप में शाहरुख खान को तो पता है आपको। ठीक है, हो सकता है शाहरुख खान इसका मतलब मूवी बनाने के बाद घर बैठे रहे, प्रमोशन करने के लिए कहीं नहीं जाए। हाँ। प्रमोशन तो हुआ ही नहीं मूवी का, आप देख रहे होंगे बायकॉट ही इतना हो गया। ये भी हो सकता है कि उनका मतलब एक पार्ट होगा मतलब प्रमोशन का, तो ये मतलब एक ट्रिक है, ये हो सकता है मे बी। चलिए। हाँ। तो और भी लोग हैं, क्या नाम है? मेरा नाम इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद जी, कहाँ, कहीं ऑफिस से आ रहे हैं क्या? हाँ, कार्यालय गए थे। अच्छा, तो अभी आप सुन रहे होंगे लगातार पठान का बड़ा जिक्र हो रहा है, पठान चर्चा में है, लगातार बायकॉट किया जा रहा है भगवा रंग का जो है। ये सही नहीं है, बायकॉट नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बस एंटरटेनमेंट के नजरियात से देखना चाहिए बस। हाँ। फिल्म है और क्या है, उसमें भगवा रंग का जो है अपमान कर दिया। कुछ नहीं है भगवा रंग, कुछ नहीं होता है, बिकनी पहनी है भगवा रंग, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फजूल की बातें हैं। आपको लगता है कि एक यही मूवी ऐसी बनी है जिसमें भगवा रंग का इस्तेमाल किया है? ऐसा कुछ नहीं है, फिल्में तो मैं अभी नहीं देखता हूँ, बहुत पहले की बातें थी, लेकिन सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं लेना चाहिए लोग इसको, थोड़ा सा दूसरे नजरिया से। क्यों दे रहे हैं ये लोग? बस बकवास है और कुछ नहीं, मेरे समझ से तो कुछ भी नहीं है, बस इंटरटेनमेंट। अच्छा, तो मूवी 25 तारीख को लगने वाली है सिनेमा हॉल में, आप देखने जाएंगे क्या? अब मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन देख लूंगा फिर।
अच्छा, देखते रहिए, देख लेंगे तो देखा जाएगा जब चर्चा चर्चा में है तो हाँ, थोड़ा सा देखना चाहिए। तो मतलब एंटरटेनमेंट है, तो मतलब चर्चा में आ रही है तो इसलिए भी देखने जाएंगे। खेल कूद है बस, उसमें सब एक ही रंग में सब गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से हिंदू मुस्लिम सब एक है, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है। लेकिन लोग इसे नेगेटिविटी में ले रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस एक फिल्म है, शाहरुख खान एक कलाकार है, बॉलीवुड तो अभी का नहीं है, बहुत पहले। शाहरुख खान से सभी लोग मोहब्बत करते हैं, वो एक अच्छे अदाकार हैं। चलिए, और भी युवा है यहाँ पे, क्या नाम है अभी तो मेरी शायद आपसे बात हुई, क्या नाम है आपका? एमडी साजिद। साजिद, आप जाएंगे पठान मूवी जो लगातार बॉयकॉट हो रही है? जरूर जाएंगे, देखने जाएंगे। जाएंगे फर्स्ट शो देखेंगे या हाँ, फिर बाद में? अरे देखेंगे जो फर्स्ट शो देखूं मैं। अच्छा जी, जी अब है। अभी वो मारेगा तो मैं भी मारूंगा, ऐसे अच्छा, थोड़ी ना। किसको मारेंगे? जो अब विरोध कर रहा है ना इसके मूवी देखने के लिए, तो वो तो मैं तो कुछ ना करवाऊंगा, मैं भी मारूंगा उससे भी। अच्छा हाँ, किसको मारेंगे भाई? अबे जो मुझे मारेगा उसी को मारूंगा, ऐसे थोड़ी ना। वो विरोध कर रहे हैं तो आप उस विरोध कर रहे हैं, ये हारा मुसलमान कलर है ना, तो दूभी पर चलना छोड़ दो, वो भी तो हल्ला कर रहे हैं। हम लोग अपने कलर के लिए कहाँ क्यों लड़ रहे हैं, क्या हुआ? अब दुनिया कब से चल रही है, उस समय से विरोध न हुआ भगवा कलर का? अब इधर बजरंग दल मना ली तो भगवा भगवा क्या है? हाँ क्या है ये? भगवा का अपमान हो रहा है ना? दुनिया कब से चल रही है, अभी जो 2022 से चल रही है ना, भगवा कलर भगवा क्या है ये? दुनिया तो कब से चल रही है? सनातनी, सनातनी है भाई, कट्टर सनातनी हिंदू है, कट्टर हिंदू ना है। पहले मुसलमानों ने राज किया था, मुगल बादशाह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुसलमानों ने राज किया, मुसलमान हो? अरे मुसलमान जो हिंदू भाई लोग सब मिलकर रह रहे हैं ना, मिलकर रहे थे, मुसलमान ने भगा दिया, ये कर दिया, वो कुछ ने तो नहीं किया, तो मिल कर रहे थे। अभी हम भी लोग रहेंगे, ग्रीन कलर मेरा है तो मुझे चलना छोड़ दो, धोबी पर पेट से ऑक्सीजन क्या है, मैं भी अपने कलर के लिए लड़ूंगा, तो मैं भी तो विरोध कर सकता हूँ मैं। हरा कलर नहीं पीना किसी ने, तो भगवा कलर अभी क्यों लड़ रहे हैं भाई? मिल उल के रहो, मूवी देखो आराम से। लॉजिकल आंसर मेरा ये है कि जब भी आप पिक्चर क्लिक करवाते हो ना, सो क्या होता है, कैमरे के अंदर हर कलर डिफरेंट शेड नजर आता है। हो सकता है वो उनको भगवा नजर आ रहा हो, लाइक अगर मैंने कोई पिक्चर क्लिक करवाई है तो आजकल फिल्टर बहुत आते हैं, तो फिल्टर की वजह से कई बार वो कलर होता कुछ और है लेकिन दिखाई और कुछ देता है। अब हमें नहीं पता उन्होंने किस मोबाइल में देखा, किस स्क्रीन पे देखा, किस तरह की स्क्रीन पे देखा, सब देख रहे सब जगह। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि वो जरूरी नहीं कि वो जरूरी नहीं है कि वो भगवा हो, जरूरी नहीं है। आप इसलिए बोलते हैं? हाँ, मैं इस चीज को श्योरिटी से कह सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि भगवा हो। अच्छा, वो ऑरेंज भी हो सकता है। भगवा कौन सा होता है? सेफ्रॉन। सेफ्रॉन मेरे ख्याल से केसर का भी होता है, ठीक है। अब केसर सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे फेमस है केसर? कश्मीर में। और केसर बहुत सही जगह पे यूज भी होती है, दूध में और बहुत सही जगह में यूज होती है। उसका भी बायकॉट करो, ऐसे तो बहुत सही चीजों को बायकॉट करने पर आ जाए। और बायकॉट करने की अगर बात सोप भी है, हाँ जी, डिटॉल सोप भी, डिटॉल सोप भी है, और स्कूल है, माजा है, और इवन माजा भी हो गई। और फिर तो आप मतलब बहुत सही चीज है, लाइक जाम मस्जिद का अगर आप कलर देखोगे थोड़ा सा सिंदूरी टाइप में जाता है, अगर कलर की बात करी जाए। ऐसी बहुत सारी स्कूल की इमारतें हैं, ऐसे बहुत सारी सरकारी दफ्तर हैं, ऐसे बहुत सही जगह है, कितनी जगह को बायकॉट करो। ये तो बस हो गया ना, कुछ नहीं मिला तो कुछ भी लेकर बोल दूँ। और कलर का क्या होता है ना, और फिर रहा इंडिया की बात ना, माशाल्लाह से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सब कुछ मिक्सअप है। डेफिनेटली रिस्पेक्ट कृष्ण जी, मुझे कृष्ण जी बहुत पसंद है, हनुमान जी भी बहुत पसंद है, कृष्ण जी की बहुत सारी बातें भी मुझे याद हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। रिटर्न में मैं भी जानता हूँ कि वो लोग भी हमारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करती है, तो सिर्फ एक भेदभाव फैलाने वाली कोशिश करी जाती है कि नहीं ये ऐसा है, यानी बांटने की कोशिश, बांटने की कोशिश करी जाती है। जब कुछ नहीं मिलता ना तो बांटने की कोशिश करी जाती है। बाकी मेरे को लगता है कि सभी बांट कौन रहा है, कौन बांट रहा है, ये जो एक होता है ना कि नहीं ये ऐसा है वैसा नहीं है, इस तरह से डिफाइन करते हो ना आप, तो वो चीज़ एक बंटवारे में आ जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सही चीज़ है, क्योंकि करने वाला लाइक अगर आप उठाने पर आओ ना तो बहुत सारी मूवीज के अंदर बहुत कुछ मिलेगा जिनको आप करप्टेड कर सकते हो और काट भी सकते हो और जिसके ऊपर आप मुद्दे बना सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मुद्दा बनाया जा रहा है, बस एक मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले भी मुद्दे बनाए जाते थे लाइक, जबकि कुछ ऐसा नहीं होता तो उनको क्या होता है कि चलो एक मुद्दा बना के लेके चलते हैं, चलो अब ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ऐसा करते हैं। इन लोगों ने पहले बहुत सारे ऐसे भूल भुलैया में अक्षय ने भी जो है वो शॉट डाली है, अक्षय कुमार ने भी तो हाँ, उस पर राधे कृष्णा लिखा हुआ है। तो फिर
और उसमें तो एक सॉन्ग भी था उसके लिए नहीं किया और उसमें सॉन्ग के साथ साथ शायद बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर भी थी और कैटरीना के साथ भी फिल्म आया उन्होंने टिप टिप बरसा पानी वो भी ऑरेंज था और इसके अलावा एक और आई थी दे दना दन में भी शायद उसने ऑरेंज साड़ी पहनी थी उसमें शायद मेरे को लगता है अश्लीलता नहीं होगी इसीलिए वो एक अपना नजरिया है ना आप मेरी बात नजरिया वो गाना था बेशरम रंग दीपिका पादुकोण ने मतलब सॉरी मतलब कि उस गाने में हर जगह हर कलर का रंग है बेशरम रंग बोला उसने स्पेशली थोड़े बोला कि तुम ये मतलब कि मेरे कपड़ों पे ध्यान दे के बेशरम रंग उसने थोड़े बताया बिकनी बेशरम रंग की है ये बेशरम रंग की गाना बेशरम रंग का है ना सिर्फ गाना ही तो बेशरम रंग का है जो जो लोग देख रहे हैं भाई उनका फोकस जा जा रहा है उस चीज को बेशरम क्यों बता रहे हो भाई गाना देखो ना तुम कहाँ देख रहे हो नजर कहाँ जा रही है तुम्हारी नजरिया गलत है नजरिया ही गलत देख कहीं और रहे पकड़ने वाले को ना देखिए मेरा तो सिंपल सा मानना है भाई पूरा गाना नहीं सुन रहे हाँ। बिकनी देख रहे हैं जिसको यानी इनको भी मजा आ रहा है क्या मजा आ रहा है क्यों देखा मजा आ रहा है और कहीं नजर नहीं पड़ी और जिसको मुद्दे उठाने होते हैं ना सर जी वो किसी भी चीज को उठा के मुद्दे बना लेगा जिसको नहीं उठाना ना हर चीज को इग्नोर करके चलेगा लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि मतलब आप अच्छे हो या कुछ और अगर उनको आपसे नफरत करनी है ना आपकी अच्छाई के अंदर भी बुराई निकाल लेंगे जस्ट उनको बुराई निकालने का एक वो होना चाहिए पॉइंट आना चाहिए बस तो ये थी तमाम लोगों की ओपिनियन तो तमाम लोगों से 25 तारीख ज्यादा दूर नहीं है आज 23 तारीख है 25 को जो है ये फिल्म रिलीज हो जाएगी रिलीज हो चुकी है बल्कि 25 को सिनेमाघरों पे आ जाएगी और तमाम युवा जो वर्ग है वो देखने जाएगा और क्या क्या उन्होंने बोला आपने खुद भी सुना कि मैंने उनसे हर तरीके से सवाल घुमा के फिरा के पूछा लेकिन आप ये देखिए कि तमाम लोग जो हैं उस फिल्म को देखने जाएंगे मेरे को लगता है शायद बायकॉट करने से और चर्चा बढ़ गई है उस फिल्म की तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा बटला हाउस दिल्ली